31 साल बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर का बंद तहखाना आस्था की रोशनी से फिर जगमगा उठा है। व्यास जी के तहखाने में आरती की घंटियां बज उठी हैं, हर हर महादेव की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। 38 साल पहले एक फैसले के बाद जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुल गया, वैसे ही काशी में ज्ञानवापी का तहखाना भी अदालत के एक आदेश पर खुल गया है। कोर्ट के फरमान के 8 घंटे के भीतर ही योगी प्रशासन ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करवा दी। लेकिन सवाल है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा हिंदुओं के लिए क्यों इतनी अहमियत रखती है? क्यों हिंदुओं की आस्था के इस केंद्र पर मुलायम सिंह की सरकार ने ताला जड़ दिया था, और क्या अदालत के इस फैसले से काशी में आदि विश्वेश्वर के मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया है? पूरी रिपोर्ट देखिए। 38 साल बाद काशी में दिखी अयोध्या की झांकी। इकतीस साल बाद ज्ञानवापी के तहखाने में घंटियों और आरती की गूंज। कैसे खुला था अयोध्या में ताला, कैसे खुला काशी में व्यास जी का तहखाना? काशी के लिए 31 साल बाद वही सुबह लौट आई है जब ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में घंटियों के साथ साथ आरती की आवाज गूंजा करती थी, आरती के स्वर गूंजा करते थे। 3 दशक बाद इस तहखाने में न सिर्फ पूजा हुई बल्कि आस्था का सैलाब भी उमड़ा। पहले गंगाजल से तहखाने की शुद्धि की गई, उसके बाद पूजा पाठ शुरू हुआ। रात के 11 बजे व्यास जी का परिवार तहखाने में पहुंचा। तहखाने के अंदर मूर्ति रख दी गई। रात 2 बजे तक पूजा हुई। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गईं और ज्ञानवापी का पूरा इलाका हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। आस्था और भक्ति की यही तस्वीर अब यहाँ रोज दिखाई देगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, अंदर पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जालूली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। मंदिर खुला, अच्छा लगा, दर्शन हुआ आज जी नंदी भगवान का। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे, तुरंत मंदिर बनना चाहिए, मंदिर तुरंत बनना चाहिए। माहौल बहुत ही बहुत अच्छा है इस समय। इस समय आप जान लीजिए कि अब हिंदू धर्म का ना सर एकदम ऊंचा हो गया। जाली कट गई, अंदर जाली कट गई, कटर से भी काटी जा रही है। लगभग अभी दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, दिखाई दर्शन अंदर शुरू हो गया। हाँ, दर्शन चालू हो गया। वाराणसी कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद महादेव भक्त खुशी से झूम रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। इस घड़ी ने 38 साल पुरानी अयोध्या की वो यादें ताजा कर दी हैं जब राम जन्मभूमि का ताला खुला था। 1 फरवरी 1986 को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी अदालत के फैसले का पालन महज 40 मिनट के भीतर हो गया था। उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला था। 38 साल बाद 31 जनवरी 2024 को काशी में अयोध्या की झांकी दिखी। अदालत के फैसले के 8 घंटे के अंदर ज्ञानवापी का व्यास जी का तहखाना खुल गया और हर हर महादेव की गूंज के बीच पूजा भी शुरू हो गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने में पूजा की एक पूरी टाइमलाइन भी देख लीजिए। 31 जनवरी को दोपहर 3 बजे वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति दी। इसके बाद शाम 5 बजे वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम ने अधिकारियों की बैठक बुलाई। 5 बजे से शाम 7 बजे तक मीटिंग चली और सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति तैयार की गई। रात 8:15 पर डीएम के साथ अन्य अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। रात 11 बजे तहखाने की साफ सफाई के बाद व्यास परिवार की मौजूदगी में तहखाने में पूजा की गई। आपको हम बताएंगे कि काशी में अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी का जो तहखाना पूजा के लिए खोल दिया गया है उसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता क्या है। हम ये भी बताएंगे कि ये तहखाना कब और क्यों बंद किया गया था और इसका प्रभाव क्या पड़ा। लेकिन उससे पहले अयोध्या में 1 फरवरी 1986 को जो हुआ उसे भी डिटेल में जान लीजिए। आज से 38 साल पहले 1 फरवरी 1986 को वकील उमेश चंद्र की याचिका पर फैजाबाद जिला अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस याचिका में राम जन्मभूमि का ताला खोलकर
हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत देने की मांग की गई थी। जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने शाम 4:40 पर ताला खोलने का आदेश दिया। इसके 40 मिनट के बाद 5:20 पर ताला खोल दिया गया। अदालत का वो फैसला 500 साल तक चले राम मंदिर के संघर्ष में एक अहम पड़ाव था। वकीलों के मुताबिक काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर के लिए हिंदुओं के संघर्ष का टर्निंग प्वाइंट भी इस फैसले के बाद आ गया है। जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था। मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है। वजूखाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने क्या फैसला दिया, फैसले के बाद अब तक क्या क्या हुआ, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये तहखाना इतना अहम क्यों है। दरअसल ये तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर में है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में कानूनी लड़ाई चल रही है। ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहा मंदिर पक्ष ज्ञानवापी के तहखाने को बेहद अहम मानता है। उनके मुताबिक तहखाने में बंद दीवारों के पीछे भगवान आदि विश्वेश्वर मंदिर होने के सबूत मौजूद हैं। मंदिर तो था ही, जब एएसआई की रिपोर्ट में आ गया, सबसे लास्ट होता है एएसआई की जांच में जब आ गया मंदिर था, अंदर इतने विग्रह मिले हैं टूटे फूटे, उनको भी मान लेना चाहिए ये कि वो मंदिर था। तो वहाँ का क्या वर्णन सुना कि किस तरह का तहखाना है? तहखाना तो जैसा तहखाना होता है वही तहखाना है। अंदर मूर्तियां हैं टूटी फूटी, उन्हीं का पूजन हो रहा है। कुछ सही भी है, हनुमान जी की सही है उसमें, जैसे और एक गणेश जी की है, शिवलिंग है। 31 साल बाद व्यास जी का तहखाना खोलने से पहले क्या क्या हुआ ये भी जान लीजिए। अधिकारियों ने रात 8 बजे ज्ञानवापी तहखाने के बाहर से ही जांच पड़ताल की। रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम होने के बाद गेट नंबर 4 से प्रशासन ने लोगों का प्रवेश बंद करा दिया। करीब 9:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच विश्वनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से ट्रस्ट के कर्मचारियों को बुलाकर बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे में रात 10:30 बजे तक बैरिकेडिंग को हटा दिया गया। इसके बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने अंदर सफाई की। ट्रस्ट की ओर से तहखाने में पूजा की सामग्री लाई गई। ट्रस्ट के 5 पुजारी बुलाए। फिर रात 11 बजे बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा की शुरुआत हुई। व्यास जी के तहखाने में भव्य पूजा पाठ की तैयारी है। तहखाने में रोज 5 बार आरती होगी। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती, शाम 4 बजे अपराहन आरती, शाम 7 बजे सायंकाल आरती और रात 10:30 बजे शयन आरती। अब यह भी जान लीजिए कि व्यास जी के तहखाने में कब तक पूजा होती रही थी और किसने इसे बंद किया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बिना किसी कारण तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस तहखाने में पूजा पर रोक लगाई थी और पुजारी सोमनाथ व्यास को तहखाने में घुसने से रोक दिया था। इसके बाद यहां बैरिकेडिंग कर दी गई थी। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका दाखिल करके पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोला गया। वाराणसी जिला अदालत ने अपने फैसले में साफ लिखा है, इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वंशानुगत आधार पर पुजारी श्री व्यास जी ब्रिटिश शासन काल में भी वहां कब्जे में थे और उन्होंने दिसंबर 1993 तक वहीं पूजा अर्चना की है। बाद में तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियों और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में मौजूद है। तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से की जानी आवश्यक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बगैर किसी विधिक अधिकार के तहखाने के भीतर दिसंबर 1993 में पूजा रोक दी थी। अरे 93 में से समझ लीजिए कि बंद है, 93 के बाद जो है बंद है। उतने दिन के बाद 30 साल हो गया, तो अभी जाकर के शुरू हुआ ये फैसले के बाद। आप लोग खुश हैं? क्यों नहीं खुश रहेंगे, हम लोग तो खुश है। हम लोग चीज समझ लीजिए कि उसमें जा पाएंगे,
इतने दिन से तो हम लोग यही आप मार नहीं रहे थे, दुनिया भर का व्यवधान था इन लोगों का। शिवलिंग तो है ही है, अब शंकर जी का मंदिर है तो वहाँ शिवलिंग तो रहेगा। ये स्वयं शिवलिंग का मंदिर का मतलब क्या है कि अपने से प्रकट हुए हैं। आदिशेश्वर का मंदिर जो है स्वयं शिवलिंग कहा जाता है, इस शास्त्र में भी है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है उसका। तो अगर तोड़ भी देंगे ऊपर से तब भी नीचे तक हो उसका अस्तित्व है। पूरा तहखाना ही तहखाना है मस्जिद के नीचे, इधर से लेकर के पूरा वो है। तो क्या पूरा एक ही तहखाना है? अब उसमें खंड खंड बीच में कर दिए हैं लोग ने, तो पूरा एक का एक तो था ही, जितनी बड़ी मंदिर थी उतनी बड़ा ही सब मस्जिद बना दिए ऊपर ढांचा खड़ा करके। कितना तहखाना है? तहखाना बता तो रहा हूँ, जितनी बड़ी मस्जिद है पूरा तहखाना ही नीचे है। एक तरफ व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुका है तो दूसरी तरफ काशी में सिक्योरिटी टाइट है। काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 16 थानों की पुलिस तैनात है। भारी संख्या में आरएएफ और पीएसी के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया गया है।